गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी चैप्टर व्याकरण। हम समझ रहे थे बच्चों, व्याकरण में लिपि। लिपि किसे कहा जाता है? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी है, हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, पंजाबी, अंग्रेजी, ये सारे हमारे लैंग्वेज है। उसकी लिपियाँ क्या है बच्चों? देवनागरी, हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का भी है देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी और अंग्रेजी को रोमन लिपि से लिखा जाता है। जैसे भाषा में लिपि का प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? मैंने शिखरों से आगे उपन्यास पढ़ाया, ये हिंदी की टेक्स्ट है। मैंने शिखरों से हिंदी में मैं ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में आई मैं को आई ऐसे लिखते हैं। तो सबकी शैलियाँ अलग अलग होती है, हर एक भाषा की शैली अलग अलग होती है। बंगाली में भी वो चेंज हो जाता है, पंजाबी का भी मैं देखो चेंज हो गया आई, है ना, सब में इसकी लिपियाँ चेंज हो गई है। तो भाषा की लिपियाँ चेंज होती रहती है बच्चों। उसके बाद चलिए चलते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है बच्चों। व्याकरण हमारे भाषा को शुद्ध करता है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है और ये अशुद्ध भी है। इसका शुद्ध रूप क्या है बच्चों? गाजर काट कर खरगोश खिलाओ। सेंटेंस का सही सीक्वेंस में व्याकरण सिखाती है। थैंक यू बच्चों।